हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। मोबाइल रिचार्ज नहीं किया तो मुफ्त इनकमिंग बंद। ठीक है, तो ऐसा है कि अब हर महीने हमको कुछ ना कुछ मिनिमम रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो है आपका एक वैलिडिटी का रिचार्ज होगा, यानी जो आपकी समय सीमा जो है सिम की वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखती है, पढ़ते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ देखिए, लिखा है, दूरसंचार कंपनियाँ एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया आजीवन मुफ्त कॉलिंग सुविधा बंद कर रहा है। ऐसे में किसी नंबर को सक्रिय रखने के लिए ग्राहकों को हर माह एक निश्चित राशि का रिचार्ज करने की ज़रूरत होगी। सितंबर 2016 में जियो के आने के बाद सभी कंपनियों ने ग्राहकों को मुफ्त इनकमिंग आउटगोइंग कॉल की सुविधा दी थी। इससे कमाई पर बुरा असर पड़ा था, लिहाजा कंपनियों ने टैरिफ प्लान की समीक्षा की है। इसके तहत एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया किसी प्रीपेड नंबर को सक्रिय रखने के लिए एक निश्चित अवधि का न्यूनतम टैरिफ लाई है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक तरीके से ये है कि हमको ये मिनिमम रिचार्ज जो है वो कराना पड़ेगा, ताकि जो हमारा नंबर है वो एक्टिवेटेड रहे। अगर वैसा नहीं होगा तो जो इनकमिंग है वो सुविधा भी आपकी नहीं मिल पाएगी। पहले ऐसा BSNL में होता था, लेकिन अब बाकी कंपनियां ये जो दो तीन लिखी हुई हैं आपकी, ये भी ऐसा कर रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो और इन्फॉर्मेशन को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।